नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं एक वैकेंसी देखते हैं एसएससी जीडी की, जिसमें कि काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है ये, कई सारी वैकेंसी है इसमें। चलते हैं देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट थी 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये चलेगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की 30/11 यानी कि नवंबर है, और ऑफलाइन चालान जमा करने की 30 नवंबर इसकी भी है, और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आप अगर करना चाहते तो 1 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कितनी क्या वैकेंसी हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो यहाँ पे हमारी ये पोस्ट दी हुई है, बीएसएफ में टोटल पोस्ट दे रखी हैं 10,497 पोस्ट, और सीआईएसएफ में है आपकी 100 पोस्ट, सीआरपीएफ में है 8,911 पोस्ट, एसएसबी में है आपकी 1,284 पोस्ट, आईटीबीपी में है 1,613 पोस्ट, एआर में है 1,697 पोस्ट, एसएसएफ में है आपकी 103। टोटल वैकेंसी हो रही है यहाँ पे 24,205। और यहाँ पर ये एनसीवी इस कैटेगरी में मिला के 164 पोस्ट ये और हैं, तो टोटल हमारी यहाँ पे अब हो जाती हैं 24,369 पोस्ट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, तो जो भी एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज कितनी है। बीएसएफ में एससी कैटेगरी में 1,405 हैं, एसटी में 917 हैं, ओबीसी में 1,980 पोस्ट हैं, EWS में 887 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 3,733 पोस्ट हैं, और ये आपकी टोटल पोस्ट 8,922 ये मेल के लिए हैं। इसी तरह फीमेल कैटेगरी में दी हैं, एससी में 245, एसटी में 63, ओबीसी में 348, EWS में 158, अनरिजर्व में 661 पोस्ट हैं, टोटल 1,575 पोस्ट हैं। तो इस तरह से आपकी टोटल पोस्ट हो जाती है यहाँ पे 10,497 पोस्ट। तो इसी तरह से आप पीडीएफ फाइल ये मैं इसमें अपलोड कर दूंगा नोटिफिकेशन की, तो आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी हैं कितनी किस्में हैं। तो टोटल यहाँ पे 24,369 पोस्ट हैं। तो जब भी कोई आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, उससे आपको क्लियर जानकारी मिल जाती है। काफ़ी दिनों बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। SC ST कैटेगरी में 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा आपको, OBC में 3 साल का, XL SMN में 3 साल का, और जो चिल्ड्रन डिपेंडेंट हैं, विक्टम किल्ड गुजरात, इस तरह के अगर आपके कोई छूट आपको मिलती है तो इसमें मिल जाएगी, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो। नोटिफिकेशन ज़रूर देखिए इसका। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें मांगी गई है वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो भी डिटेल आप फिल करें वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करें। चलिए और देखते हैं हम इसमें। देखिए एनसीसी, अगर किसी के पास ए सर्टिफिकेट है तो 2% और मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, जितने भी आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे उसमें 2% इसमें आपको बोनस मिलेगा। बी अगर कैटेगरी का एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो 3%, और सी कैटेगरी का है तो 5% का आपको बोनस मिलेगा टोटल मार्क्स में। इस तरह से अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो एनसीसी सिलेक्ट जरूर करें, जो कि आपका बेनिफिट देगा। और जो हमारे जनरल से लोग हैं जो जिनके पास EWS है वो भी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से आप वेबसाइट दे रखी है, ये रही SC.NIC.IN पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी पेबल 100 रुपीज़,
100, मतलब 100 फीस इसमें ली जा रही है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 27 से स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में। और केयरफुली फॉर्म भरिए। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। इसमें देख लेते हैं, देखिए किस तरह का आपका एग्जाम आएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये, ध्यान रखिए कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद फॉलोइंग कंपोजिशन। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा आपका, 80 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क यानी कि 2 2 नंबर्स मिलेंगे। किस तरह से आपका पेपर डिवाइड है देख लीजिए। पार्ट ए है जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स 40, टोटल टाइम जो आपका रहेगा 60 मिनट का रहेगा पूरा पेपर का। बी पार्ट में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसका भी 20 क्वेश्चन इसमें होंगे, 40 मार्क्स। सी पार्ट में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी आपकी, 20 मार्क्स, सॉरी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के हिसाब से यही लग रहा है, इंग्लिश या हिंदी लगा है। तो 20 क्वेश्चन इसमें हो गए, टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। 60 मिनट का पेपर है, तो 60 मिनट के हिसाब से अपनी तैयारी करिए, पक्की तैयारी रखिए। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर पेपर किस बेस्ड पे आएगी, इस तरह से पेपर होगा। 80 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन में, और आपका 60 मिनट टोटल टाइम दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें और भी जानकारी दी है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा सब आप इसमें ये देख सकते हैं। तो आप नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा नीचे, उससे आप ये डाउनलोड कर लेना और अच्छी तरह से पढ़ लेना, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। जिसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ है, क्या आपको पढ़ना है, जो आपके 4 पार्ट दिए हुए थे ABC, उसके बारे में दिया क्या क्या पूछेंगे। हिंदी इंग्लिश, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश ऑफ ली हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रेशन वुड बी टेस्टेड। फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट PET बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस CV, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके बेस पे आपका PES वो PET में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है, तो जो भी आपके जितने भी मार्क्स बनेंगे उसकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपका मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 1.5 मिनट्स यानी कि 8.5 मिनट, महिलाओं के लिए आपका 1.6 किलोमीटर की दौड़ है जो कि आपको 8.5 मिनट में, और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी है। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, मतलब लद्दाख रीजन के जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए थोड़ा सा अलग होगा नियम इसमें। रेस, और ये क्या नीचे देखते हैं, 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स। अच्छा, ये सॉरी, जो नीचे जो लद्दाख वाला दिया, लद्दाख रीजन के जो भी लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स में पूरा करना होगा। फीमेल के लिए जो लद्दाख से रिलेटेड हैं, 800 मीटर की जो दौड़ होगी 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। मतलब लद्दाख के लोगों के लिए अलग से ये यहाँ पे आरक्षण दिया हुआ है PET में, तो उनके इसके अकॉर्डिंग आपका होगा, बाकी अदर रीजन के लिए इसके अकॉर्डिंग होगा, 5 किलोमीटर और 1.6 किलोमीटर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। फिजिकल टेस्ट हो गया आपका। अब देखिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड, जो आपकी हाइट वगैरह कितनी क्या मांगी है, इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ 160
170 सेंटीमीटर, जो कि आर्मी वगैरह में मांगी जाती इतनी भी मांगी जा रही है इसमें 170, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, ये ST के लिए दिया हुआ है 162.5 मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 150, ये ST कैंडिडेट के लिए है जो जनजाति उनसे बिलोंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, चेस्ट आपका जो है बिना फुलाए, अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर्स और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर फ्लाप चाहिए ही है। 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करके एक्सपेंशन करके फुला के सर आपकी छाती को। तो इस तरह से ये आपका चेस्ट का मेजरमेंट दिया हुआ है। बाकी का जो शेड्यूल ट्राइब वगैरह से आते हैं उनके लिए अलग है, 76 दिया हुआ है। और आगे चलते हैं। लगभग मैंने आपको सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन हिसाब से दे दी है, बाकी का आप इस नोटिफिकेशन को क्या मतलब क्लियर पढ़ लेना आप आराम से, जिससे और क्लियर हो जाए, बाकी का मैं देख ही ले रहा हूँ इसमें। चलिए और देख लेते हैं कुछ इसमें खास दिया हुआ है। बाकी के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो तो बाद की बात है, वो पहले आप एग्जाम क्लियर करिए और PHT अपना क्लियर करिए, PET क्लियर करिए, इसके बाद देखिए इसमें आपका सर्टिफिकेट क्या क्या मांगा। आधार कार्ड, ये प्रिंट आउट ई आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इस तरह कोई भी ID एक चल जाएगी जब आप एग्जाम देने जाएंगे। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हाँ इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि रीसेंट की पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ हो और ID प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रखी हो, ये आप ध्यान रखना, सही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। NCC का मैंने बता ही दिया था आरक्षण किस तरह से, तो NCC के ध्यान रखना आप, NCC टूर अगर आपके पास है तो सर्टिफिकेट जरूर उसमें सेलेक्ट कर लेना। बाकी के 200 रुपये इसकी फीस है, 30 नवंबर लास्ट डेट है, सॉरी 30 नवंबर, हाँ 30 नवंबर लास्ट डेट है इसकी। और देखो फॉर्मेट दिया हो किस तरह से फॉर्म भरना भी है, चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ से इस तरह से फॉर्म स्टार्ट होगा आपका, जिन्होंने SSC का फॉर्म पहले से फिल कर रखा है तो उनका उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे फॉर्म बढ़ जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं पुराने रजिस्ट्रेशन से, कोई दिक्कत नहीं है। जिन कैंडिडेट के पास SSC का पहले कभी उन्होंने फॉर्म भरा है वो अपनी उसी ID से लॉग इन करके ओपन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, और जो कैंडिडेट नई नए फॉर्म भरेंगे वो उनके लिए यहाँ से स्टार्ट होगा बेसिक सेक्शन से। पहले आपको आधार नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पे वोटर ID या आधार सेलेक्ट करना है, जो भी एक ID है उसका नंबर डालना है, अपना नाम हाई स्कूल के अकॉर्डिंग लिखा है इसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से डालना है, यहाँ पे 2 बार डालना है वेरीफाई करने के लिए कि आप गलत टाइप तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 2 बार, यहाँ पे आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है, आप CBSE बोर्ड से पढ़े हैं या UP बोर्ड से पढ़े हुए हैं, रोल नंबर अपना पुट करना है, यहाँ पे हाई स्कूल का, याद रखिए हाई स्कूल का ही बोर्ड सिलेक्ट करना है, मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन डिटेल यहाँ पे देखो मांगी है, रोल नंबर भी हाई स्कूल का पड़ेगा 2 बार डालना है, ईयर ऑफ पासिंग हाई स्कूल का पास किया वो भी 2 बार डालना है, मेल फीमेल अपना सेलेक्ट कर लेना है, हाईएस्ट लेवल एजुकेशन आपकी कितनी है, हाई स्कूल 12th या ग्रेजुएशन जो भी कुछ आपकी है यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पे दोबारा डालना है, मेल ID सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है, यहाँ पे आप कैटेगरी चूज करेंगे जनरल, EWS, OBC, ST, SC जो भी आपका है, यहाँ पे एक आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है जो कि आपका मोल हो सकता है या चोट का निशान, कोई कट का निशान हो वो भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे इस तरह से, स्टेट आपका कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड सिलेक्ट करेंगे,
अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है और परमानेंट अलग है तो यहाँ पे अलग अलग फिल करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, एग्री करेंगे। अगर आपने सही डिटेल फिल कर रखी है, इसका टिक प्रिंट ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या फिल किया है, अगर सही नहीं है तो एडिट कर सकते हैं प्रीवियस में जाके, नहीं तो फाइनल कर दें। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन को फिर लॉगिन करेंगे, देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आपका प्रीव्यू दिखाया जाएगा। सॉरी, ये फॉर्म आ गया हमारा, फॉर्म में यहाँ पे आपका ये प्रीव्यू दिखाया जाएगा, प्रीव्यू डिटेल जो आपने भरी है यहाँ पे, ये डिटेल आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आप एक्स सर्विस मैन है ये यस नो नो कर देना, अगर हो कोई तो वो अपनी यस कर सकते हैं। अगर एज में छूट चाहिए तो यहाँ पे यस करें, कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी इस जगह पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट पूछ रहा है, यस करना पड़ेगा। अब अपना कैटेगरी चूज कर देख लेना, उसमें एनसी है, ए है, बी है, वो जरूर देखना। यहाँ पे देखो एनसीसी जब सेलेक्ट करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, कौन सा सर्टिफिकेट आपका, ए बी सी, जो भी आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ सेंटर, सेंटर दोस्तों अगर आप यूपी के सेलेक्ट करते हैं तो यूपी के ही सेंटर आएंगे, दिल्ली वगैरह चूज कर लेते हैं तो उधर रीजन के सेंटर आ जाएंगे। और एग्जाम अलग अलग डेट पर होगा वहाँ के रीजन का। यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल स्टेट आपके उत्तर प्रदेश या पे जो भी कुछ हो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप फिर करें, यहाँ पे आपका पोस्ट, जो पोस्ट आपकी जो नोटिफिकेशन में है, ए बी सी या 1 2 3 जो भी आपका इसमें पैटर्न, इसमें इसमें यहाँ पे पोस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपको पोस्ट यहाँ पे किस तरह से फिल करनी है, अरेंजिंग ऑर्डर में लगानी है किस तरह से, जो भी आप प्रेफरेंस पहले पे देना चाहते हैं जिसको भी, उसके लिए यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करेंगे, फिर दूसरा जिस दूसरे नंबर पे जो भी रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे, इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे जिससे कि आपको आसानी रहेगी भविष्य में चूज करने में। और यहाँ से पोस्ट की डिटेल आ जाएगी जो भी है, क्लिक करके देख सकते हैं। आईएएस एजुकेशन, जो भी आपकी आईएएस एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपकी क्वालिफाइंग एसेंशियल एजुकेशन मांगी गई है, जो भी आपकी एसेंशियल एजुकेशन इसमें मांगी जा रही है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, एसेंशियल एजुकेशन ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप जो लोग इनके नंबर आए हुए हैं परसेंटेज डाल सकते हैं, जिनका सीजीपीए डाल सकते हैं सीबीएसई वाले। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि ये आपकी डिटेल किसी को शेयर करने के लिए, किसी एम्प्लॉयर को परमिशन मांग रहे हैं, आप देना चाहो तो यस कर दो, अन्यथा नो कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर देना चाहो तो यस कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, एड्रेस आपका जो पहले आपने फॉर्म में भर रखा वही आ जाएगा। यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, फोटोग्राफ की लेटेस्ट होनी चाहिए जो कि 20 जुलाई 2022 के बाद की होनी चाहिए। यहाँ सिग्नेचर, सिग्नेचर कितने केवी में होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 10 से 20 केवी के बीच में लिखा हुआ है, यहाँ से 20 से 50 केवी फोटो होना चाहिए। इस तरह से आप कैप्चा कोड फिल करके फिर भी देख लीजिएगा। फोटो देखिए यहाँ पे सैंपल आ रहे हैं, ये फोटो केवल हमारी इस तरह की फोटो चलेगी, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, इस तरह की फोटो मत लगाइए जो ब्लर हो या कलर वगैरह सही नहीं हो, कटी नहीं हो। सेल्फी मत लगाइए जिस तरह से इन्होंने भाई ने लगाई हुई है, ब्लर नहीं होनी चाहिए इस तरह से। तो फोटो आप केयरफुली लगाइए तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये वाली इस तरह से फोटो लगाइए जो फर्स्ट पे दे रखी है ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ इसमें रह गया है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हमारे कैंडिडेट जो हैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो स्टेट का होगा। कभी कभी कुछ जातियाँ एससी की सेंट्रल के फॉर्मेट में नहीं आती, तो उनके लिए ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को प्रिंट करके वो अपने पुराने जाति प्रमाण पत्र को ले जाके अपने तहसील से, लेखपाल से प्रमाणित करा के इस फॉर्मेट को अपने पास रख सकते हैं, जो कि आगे काम करेगा उनका। ये सेंट्रल का फॉर्मेट होता है, तो इस तरह से फॉर्मेट में अपना वो वहाँ वेरीफाई करा कर रख लें। और जो हमारे ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट तैयार करा लें, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, उनका यूपी का काम नहीं करेगा, उनको सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा। फॉर्म की लास्ट डेट जो है 30 नवंबर से पहले अपना वो
सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लें, जाति प्रमाण पत्र जो है सेंट्रल का बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म कभी भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30/11/2022 तक उनका सेंट्रल का सर्टिफिकेट तैयार हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई अप्लाई कर रहा है, वो गलती कर रहा है, तो ये ध्यान रखें, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लें और खुद के डॉक्यूमेंट खुद से तैयार रखें, किसी और पे ब्लेम ना डालें। बहुत से लोग किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं या कि साइबर कैफे से भरवा रहे हैं, तो वो उनको ही पर डिटेल पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है पूरी। ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़े सर्टिफिकेट आपको खुद अपने नॉलेज रखनी चाहिए कि किस कैटेगरी की पोस्ट अगर निकल, सेंट्रल की अगर पोस्ट निकल रही है तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट उसमें लगता है, ये सभी लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो ध्यान रखें। तो अपने एक सेंट्रल का सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखें, जाति प्रमाण पत्र, जिससे कि कभी भी उन्हें प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने यहाँ पे सारी जानकारी दे रखी है, तो होप आई होप आपको, आशा करता हूँ आपसे कि आप लोग वो तो सब पता चल गया होगा किस तरह से, कुछ भी अगर छूट गया हो या पूछना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, लास्ट डेट इसकी जो है 30 नवंबर है, 30 नवंबर से पहले अप्लाई करा दें, और ना जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का जरूर बनवा के रख लें 30 नवंबर से पहले, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म कभी भी अप्लाई कर दीजिए, बस 30 लास्ट डेट जो फॉर्म की है उससे पहले आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र तैयार हो जाए। जनरल की कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्हें ईडब्ल्यूएस बनवाना, वो ईडब्ल्यूएस बनवा के अपना फॉर्म भरें, क्योंकि उसमें आपकी डेट जो मेंशन होती है ईडब्ल्यूएस में वो डालनी पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।